नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके सामने जो सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं वो बेसिकली बेस्ड होगा एब्रीवेशंस पे, यानी फुल फॉर्म पे। कंप्यूटर के एक फुल फॉर्म आपको सारे ही एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके रेलवे के एग्जामिनेशंस हो या फिर आपके एसएससी के एग्जामिनेशंस हो या फिर आपके स्टेट एग्जामिनेशंस हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, यहाँ पे मैं सारे एब्रीवेशंस आपको प्रेजेंट करूंगा, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। और इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन से आपको एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। प्लस उसके अलावा कंप्यूटर करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बना दी है, देख लीजिएगा। स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। जीए जीके सीए की भी प्लेलिस्ट बना दे, शिक्षा सिटी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले एईसी की बात कर लेते हैं, एडवांस ऑडियो कोडिंग। ध्यान रखिएगा, एडवांस ऑडियो कोडिंग क्या हो जाएगा, वो एईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा। एआई पूछा जाता है आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई, वो भी मैंने आपको बताया कि यूएई में खोली गई, जिसका नाम क्या दिया गया है, जायद दिया गया है। क्या नाम दिया गया उसको, जायद दिया गया। वो भी पूछा जा सकता है आपसे, एक नंबर का क्वेश्चन है कि जायद यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई, तो वो यूएई में खोली गई है। एएमआर की बात करें तो एडॉप्टिव मल्टी रेट कोडेक, ये क्या हो जाएगा, एएमआर का फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिकली एडॉप्टिव मल्टी रेट। आप पूछा जाएगा आपको एपीआई पूछा जाएगा तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एपीआई का फुल फॉर्म हो गया। एआरपी पूछा जाएगा तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एक नंबर यहाँ से आपका बनेगा कन्फर्म। आर्फानेट पूछा जाएगा तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आर्फानेट। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला ईमेल भी एलिजाबेथ के द्वारा आर्फानेट के थ्रू भेजा गया था। एएससीआईआई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कई बार पूछा गया एएससीआईआई। आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है कि एएससीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरफेस इंटरचेंज। एटीएम का पूछा जाएगा तो एस्ट्रोनॉमस ट्रांसफर मोड अगर पूछा जाएगा आपका, ये भी कई बार पूछा गया है। एवीआई का पूछा जाएगा, ऑडियो वीडियो इंटरलीव हो जाएगा आपका, एवीआई का पूछा गया। एवीआई फुल फाइल पूछी जाती है आपको। बेसिक का पूछा गया, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंपल इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक का फुल फॉर्म हो जाएगा। बीसीसी पूछा गया, ब्लाइंड कार्बन कॉपी पूछी गई है आपको एसएससी के एग्जामिनेशन में। बीसीडी पूछा गया तो बाइनरी कोडेड डेसिमल हो जाएगा। एसटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। वॉइस पूछा गया आपको तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आपको इसी तरह मैंने आपको गीगो भी बताया था, ठीक है। और उसके अलावा आईपीओ भी बताया था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये सब क्वेश्चंस आपको पूरे गीगो आपका गार्बेज इन गार्बेज आउट हो गया, ये क्वेश्चंस बनते हैं आपको। बीआईयू पूछा गया, बस इंटरफेस यूनिट बीआईयू का हो जाएगा। उसके अलावा बीएमपी पूछा गया, बिट मैप हो जाएगा। बीपीएस पूछा जाएगा, बाइट्स पर सेकेंड हो जाएगा। सीएडी पूछा गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। उसके अलावा सीएडी का कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, सीएडी सीएडब्ल्यूडी अगर पूछा जाएगा आपको तो। सीआई पूछा गया, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन हो गया। सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा पहले सिम्स आया करते थे इसके, पूछा जाता है आपको। सीडीआर पूछा गया, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल हो गया, ठीक है, ये भी पूछा गया आपको, पूछा जा सकता है। सीडी रोम का पूछा जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रियल ओनली मेमोरी, जो है कि रीड ओनली मेमोरी होगा ये, ठीक है, जो कि सीडी रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज होता है। सीडी रॉ पूछा जाएगा आपको, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल हो गया आपका। सीआईएससी पूछा जाएगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, सीआईएससी का हो जाएगा। कोबोल जो कि आपकी कॉमर्शियल लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, पहली आपकी फॉर्ट्रान थी वो भी पूछी जाती है, तो वो हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म पूछा जाएगा। कंप्यूटर जो कि नहीं पूछा जाता है फिर भी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, कभी आपको मे भी पूछा जा सकता है। सीपीयू पूछा जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीआरटी पूछा जाएगा, कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा। सीयूआई पूछा जाएगा तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हो जाएगा। डैट पूछा जाएगा, डिजिटल ऑडियो टेप हो जाएगा डैट का, कई बार पूछा गया आपको। डीबीएमएस हो गया तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डीबीएमएस का डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम फुल फॉर्म हो जाएगा, आपको पूछा जा सकता है। डीएनएस पूछा गया तो डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, अगर डीएनएस पूछा जाता है आपको तो। डॉक पूछा गया, डॉक्यूमेंट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन डॉक आपका डॉक्यूमेंट के लिए यूज ही होता है। डॉस पूछा गया तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। डीपीआई पूछा जाएगा, डॉट्स पर इंच हो गया। डीवीडी पूछा गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा आपका। डीवीडी रैम पूछा जाएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का ध्यान रखिएगा। डीवीडी रोम पूछा जाएगा तो रीड ऑनली मेमोरी सेम हो जाएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, बाकी आपका सेम हो जाएगा।
डीवाई पूछा जाएगा, डिजिटल विजुअल इंटरफेस हो जाएगा, डीवीआर पूछा जाएगा, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर हो जाएगा, डीवीआर पूछा गया आपको तो। एज देखिए पूछा जा सकता है, इनहेंस डाटा रेट फॉर जीएसएम ग्लोबल सिस्टम, इनहेंस डाटा डाटा रेट फॉर हो जाएगा आपका एज का फुल फॉर्म, जीएसएम का पूछा जाएगा तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कॉम्युनिकेशन जीएसएम का हो जाएगा। इट्सैक पूछा गया, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इट्सैक पूछा गया आपको तब। एडवैक पूछा गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवैक पूछा गया। ईमेल अगर पूछा जाएगा, ई से इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। एनियक ध्यान रखिएगा, सबसे पहला कंप्यूटर कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर एनियक का फुल फॉर्म हो जाएगा। एफपीएस पूछा जाएगा, फ्रेम्स पर सेकेंड हो जाएगा। जीडीआई पूछा जाएगा, ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस हो जाएगा। जीआईएफ पूछा जाएगा, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट हो जाएगा, पूछा जाता है आपको जीआईएफ भी। जीपीआरएस पूछा गया, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस हो जाएगा आपका, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। जीएसएम पूछा गया, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन अभी जस्ट बताया। जीयूआई देखिए पूछा गया था अभी आपके रेलवे के जो है कि अभी एनटीपीसी के एग्जाम्स हुए उसमें पूछा गया। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एचएसडीपीए हो गया, हाई स्पीड डाउनलोड पैकेट एसएस। एसटी एप्पल पूछा जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एसटीटीपी पूछा जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। एसटीटीपी देखिए सेम हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एसटीटीपीएस है यहाँ पे। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम पूछा जाता है आपको। इंटेल पूछा जाए, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेल का फुल फॉर्म हो जाएगा। आईपी पूछा जाएगा, इंटेलेक्चुअल इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया आईपी अगर पूछा जाएगा। आईएसपी पूछा जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। जैड पूछा जाएगा, जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर हो जाएगा। जेपीईजी पूछा गया, कई बार पूछा गया, इस बार भी आपको पूछा गया था। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जेपीईजी का हो जाएगा। केबीपीएस पूछा जाएगा तो किलोबाइट किलोबाइट पर सेकेंड केबीपीएस का। एलईडी पूछा जाएगा, लाइट एमिटेटिंग डायोड हो जाएगा। M3G पूछा जाएगा, मोबाइल 3D ग्राफिक्स हो गया। M4A हो गया या MPG हो गया, ऑडियो फाइल्स होते हैं। MBPS पूछा जाएगा, मेगाबाइट हो जाएगा, जैसे KBPS होता है यहाँ पे MBPS हो गया। देखिए MICR भी पूछा गया आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन से, SSC के एग्जामिनेशन में। मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा आपका MICR का। MIME का हो जाएगा आपका मल्टीपल इंटरनेट इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIPS पूछा गया, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS का। MPEG पूछा गया, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। JPEG था वहाँ पे जनरल पिक्चर, MP हो जाएगा आपका मोशन पिक्चर। नेट पूछा जाएगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो गया आपका। OCR पूछा जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR हो जाएगा। पहले हमें OMR सीट भी आती थी, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया या रिकॉग्नाइजेशन वहां पे दे देगा, दोनों इन दोनों में से कोई भी एक दे सकता है। P2P पूछा जाएगा, P2P हो जाएगा आपका। PDA पूछा जाएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो जाएगा। WMP हो जाएगा, वायरलेस बिटमैप इमेज, ठीक है। Wi-Fi पूछा गया, वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगी। WLN पूछा गया, वायरलेस लोकल एरिया एरिया लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। WMA पूछा जाएगा, विंडोज मीडिया ऑडियो हो गया। WML हो गया, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। WML सेम हो गया आपका, वहीं पे मेंशन किया गया है। WMB हो जाएगा, वीडियोस मीडिया वीडियो। XMS पूछा जाएगा, एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल हो जाएगी। PDF देखिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कई बार पूछा गया। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा। RPM रेवोल्यूशन पर मिनट हो जाएगा। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कई बार पूछा गया, सिम भी आपको। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS का फुल फॉर्म हो जाएगा। SMS पूछा जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMTP पूछा जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का फुल फॉर्म हो जाएगा। SQL पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा। SWF सॉक वेव फ्लैश हो जाएगा SWF का फुल फॉर्म। TCP पूछा गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP का हो गया। UHF पूछा जाएगा, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी हो गई। UMTS हो जाएगा आपका यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। UNIVAC पूछा गया आपको, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। यूनिवर्सल नॉन इंटरनेट वैक्यूम एक्टिवेट कंप्यूटर UNIVAC का फुल फॉर्म हो जाएगा आपको। UPS पूछा जाएगा तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS देखिए कई बार आपको पूछा गया। और UNIVAC कंप्यूटर पूछा गया, यूनिवर्सल नॉन इंटीग्रेटेड वैक्यूम एक्टिवेटेड कंप्यूटर। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करते थे और जो है मेलोड्रम्स लगाए जाते थे जो है कि स्टोरेज डिवाइस के लिए। URL पूछा जाएगा, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटेड हो गया। USB पूछा जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस हो गया, कई बार पूछा गया। वैल्यू एडेड नेटवर्क वैन हो गया आपका। VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी हो गई। वायरस वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरस का बेसिकली फुल फॉर्म है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरस का फुल फॉर्म हो जाएगा, पूछा जा सकता है आपको। VOIP पूछा जाएगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। WAS पूछा जाएगा आपको, वाइड एरिया इन्फॉर्मेशन सर्वर। WAP पूछा जाएगा, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। WAP पूछा जाएगा, वेव फॉर्म ऑडियो हो गया।
तो देखिए ये कुछ फुल फॉर्म्स थे आपको जो कि पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपको एसएससी में भी, रेलवेज में भी, आगे ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस के लिए, प्लस आपको जितने भी आपके स्टेट के एग्जामिनेशन है उसमें भी बनते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मैं यही कहूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो अब देखिए, क्या न्यू ईयर आने वाला है, तो एक नए संकल्प के साथ आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर देते हैं, क्योंकि अनअकैडमी आपको एक और मौका दे रही है, ड्रीम वीक फॉर 2023। यहाँ पे आपको 23% का, ध्यान रखिएगा, आपको ऑफ मिलने वाला है, जिससे आप जितने भी बैच कोर्सेज हैं एसएससी के वो सारे एसेस कर सकते हैं, चाहे वो सीएचएसएल के हों, चाहे वो जीडी के हों, या फिर नॉन टेक्निकल के हों, एमटीएस के हों, या फिर इवन नॉन टेक्निकल में जाके आप रेलवेज के भी जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी 23% का ऑफ चल रहा है, और प्लस 10% का आपको अप टू क्वाइन से भी मिलता है, जिसमें कोड आपको अप्लाई करना पड़ता है vimleesh@14। ठीक है, ध्यान रखिएगा, vimleesh@14 कोड यूज करना पड़ता है। तो अभी आपके पास बहुत बेहतर मौका है, आप यूज करेंगे 23% का ऑफ ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बहुत सारे बैच कोर्सेज लाइक विजय पथ बैच कोर्स हो गया, सिलेक्शन का संकल्प बैच कोर्स हो गया, टारगेट एमटीएस बैच कोर्स हो गया, प्लस हर तरीके की क्विजेज आपको अप्लाई करी गई है वहां पे, जो आप अप्लाई करके दे सकते हैं, जैसे इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट सीरीज हो गया, जीए सेक्शनल टेस्ट सीरीज हो गया, या फिर सीजीएल Tier 1 का हो गया, जीडी कांस्टेबल का हो गया, ग्रुप डी के लिए भी वहां पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया गया है, इसका भी फायदा आपको सब्सक्रिप्शन के साथ ही मिल जाएगा। प्लस क्विजेस के लिए आप कॉम्पीट का यूज कर सकते हैं, कॉम्पीट भी वहां पर मिल रहा है, और उसके अलावा जो एसएससी नोट्स आप एप्लीकेशन पे पा सकते हैं उनका भी फायदा उठा सकते हैं, जो भी नोट्स आपको चाहिए उसका भी जरूर फायदा उठाइए। उसके अलावा आप किसी भी तरीके का डाउट है तो डाउट्स को भी पूछ सकते हैं, आज का डाउट करके वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी मैं आपको यही कहूंगा कि कोड आप अप्लाई करें vimleesh@14, अभी आपको 23% तक का ऑफ है, तो मैं यही कहूंगा कि जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए और न्यू ईयर में एक नए संकल्प के साथ अपने एग्जाम्स को क्रैक करने में लग जाइए, जहां पे हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।